आज से उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। हरिद्वार में परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 109 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं आज 12वीं क्लास के छात्रों का पहला पेपर है। हरिद्वार के पन्नालाल भल्ला इंटर कॉलेज में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कॉलेज में पढ़ने वाले करीब 120 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। हमारा 12th का एग्जाम है हिंदी का। परीक्षा देने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है और मन में कोई घबराहट या कोई इस तरह की? घबराहट तो हो रही है थोड़ी सी, पहली बार दे रहे हैं ना, क्योंकि मैं एग्जाम लिए। तैयारी कैसी है? तैयारी पूरी कर रखी है। खास बात तो यह है कि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों ने कोरोना के चलते 2021 में 10वीं में बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया था, लिहाजा उनके लिए ये पहले बोर्ड एग्जाम है। कैसी तैयारी है, क्या कहें? तैयारी पूरी है और थोड़ी सी घबराहट है। उत्साह कैसा है परीक्षाओं को लेकर? बहुत उत्साह है हिंदी का। साथ ही भल्ला कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि उनके द्वारा प्रशासन और रामनगर बोर्ड द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। प्रसिद्धि परीक्षा 2023 की जो गाइडलाइन हमारे उत्तराखंड बोर्ड की है, उसके अकॉर्डिंग परीक्षा शांतिपूर्वक स्टार्ट हो गई है और आज हिंदी का पेपर है इंटरमीडिएट का। पूरी सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, गेट पर हमारे लगातार जो है पुलिस फोर्स है और इसके अलावा कक्ष शिक्षक थोड़ा एक दो कम हैं, बाकी वरना जो है कक्ष शिक्षकों की पूर्ति कर दी गई है और आज का जो पेपर है वो बच्चे आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाकी जो भी नियमानुसार जो होना चाहिए था वो सब व्यवस्था हमने कर दी है। और बाकी आज हमारे यहाँ जो पंजीकृत है वो 123 है कुल टोटल, जिसमें से 4 एब्सेंट है, बाकी 119 जो है प्रेजेंट है। शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से परीक्षा, शांतिपूर्ण, हाँ परीक्षा एकदम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष। और अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।